नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। वृश्चिक राशि वालों, मुबारक हो, खुल गया आपके भाग्य का नया दरवाजा। अब होगी सुख समृद्धि धन दौलत की बरसात। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में दो बड़ी अनोखी घटना होगी। दोस्तों, अंतिम घड़ियां पास आ चुकी है, अब आपका पास आप पलटेगा और सब कुछ बदलेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि आपका पांव तले जमीन खिसक जाएंगे। जब आप इस घटना के बारे में जानेंगे तो आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा निराला खेल शुरू होने वाला है। आखिर क्या है वह निराला खेल और यह खेल आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है? क्या यह अवसरों, सफलताओं का प्रतीक होगा या फिर आपको किसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा? दोस्तों, हम देखेंगे इस दिन आपकी व्यक्तिगत पैसेवर और आर्थिक जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं और कैसे आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि यह अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं, कैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा, किस तरह से आपका भाग्य चमकेगी, किस तरह से आपको अपने किस्मत का साथ मिलेगा, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और नहीं कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय माता दी का जयकारा लगा देना। माता रानी के आशीर्वाद से आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, सभी परेशानियां माता रानी हर लेंगे, माता रानी दूर कर देंगे। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका भाग्य का दरवाजा खुल चुका है, अब आपको अपने जीवन का असली सुख प्राप्त होने वाला है, अब आपको अपने भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। जी हां, जिससे कि अब आप अपने जीवन में जो चाहोगे वह सब कर सकते हो। अब आपके जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होगी, अब आपके जीवन में बड़ी बड़ी तरक्की होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, बड़े बड़े घर होंगे और घर में सुख शांति भी होगी। बस आपको अपने जीवन काल में ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, वरना आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब आपको बिना मेहनत का फल मिलने वाला है। जी हां, आपकी किस्मत का सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से, क्योंकि माता रानी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद अब आपकी राशि वालों के ऊपर बनने जा रही है। सभी प्रकार के सुख मिलेंगे और सभी प्रकार के दुख दूर होंगे। जी हां, बस आप सच्चाई सुनकर अपना होश मत खो बैठना दोस्तों। धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में पांच बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। जी हां, और यह कुछ खबरें सुनकर आप तुरंत मिठाई बांटने लग जाओगे। दोस्तों, इस त्योहार के शुभ अवसर पर धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी आपको देने जा रहे हैं बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां, और यह खुशखबरी देखकर पूरी दुनिया आपसे जलने वाली है। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी मजाक समझने की गलती ना करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी गुप्त बात छुपी है जिन्हें जानना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। जी हां, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे जानकारी देने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, क्या आप जानना चाहते हैं कि किन क्षेत्रों में बड़ा बदलाव होने वाला है? नौकरी, व्यापार, कैरियर, बिजनेस या प्यार, हर पहलू में सितारे आपके पक्ष में हैं। अब आपको जो जो चीज चाहिए अपनी किस्मत से दिल खोलकर मांग लेना, क्योंकि धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जी हां, आपके सभी सपने सच होने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा महासंयोग आज से पहले आपकी कुंडली में कभी नहीं बना था जो महासंयोग अब बनने जा रही है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी राशि वालों की कुंडली में बनने जा रही है सूर्य का शुभ योग, तारीख सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, धन लक्ष्मी योग, दो राज योग और एक धन योग।
जिससे कि अब आपकी राशि वालों का भाग्य उदय होगा। जी हाँ, ये पांच बड़े शुभ योग आपके जीवन में करेंगे पांच बड़े परिवर्तन। जी हाँ, बहुत बड़ी तूफानी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और ना ही वीडियो को स्किप कीजिएगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर दो जगह से भरी धन लाभ होगा, जिससे कि आप करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ, धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब आप करोड़पति बनोगे। बहुत बड़ा सरप्राइज अगले 24 घंटे के भीतर आपको प्राप्त होने वाला है, इसलिए ढोल और नगाड़ा दोनों बजाने के लिए तैयार रहना। पूरा घर परिवार नाच नाच कर खुशियां मनाएगा। इतनी बड़ी खुशखबरी अब आपको मिलने जा रही है, क्योंकि आपके भाग्य का दरवाजा खुल चुका है। अब आपके सारे दुश्मन जल जल कर भस्म हो जाएंगे। जी हाँ, अब सूरज की तरह आपका भाग्य चमकने से कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए आप अपनी सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो, क्योंकि जो इस वीडियो को पूरा अंत तक दिखेगा उसी को यह खुशखबरी मिल पाएगा, और जो जानबूझकर नजरअंदाज करेगा वह लोग पछताते ही रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मनचाही सफलता अब मिलेगी आपको, इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों अब आप हो जाइए तैयार, क्योंकि धन की वर्षा करने वाली माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपको मिलेगी पांच बहुत बड़ी तूफानी खबर। जी हाँ, एक प्रकार से यूं कहें कि पांच बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि जो आपने कभी सोचा नहीं था वह होने वाला है। अगले 24 घंटे के भीतर इस समय अवधि में ग्रहों की स्थिति, समय का चाल आपके पक्ष में है, इसलिए अब आप नौकर नहीं सीधा मालिक बनोगे। जी हाँ, मालिक बनने का समय आ गया है दोस्तों। धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसे आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिनका आप हकदार हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप रोना धोना बंद कर दो, अब आप अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दो, क्योंकि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पहले जैसी अब आपकी जिंदगी नहीं रहेगी, क्योंकि पिछले समय अवधि में अपने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत दुख दर्द सहन किए हैं, आपके जीवन में बहुत परेशानियां रही हैं, बहुत मुसीबतें आई थीं, लेकिन वह सब अब दूर होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय अवधि में काफी श्रेष्ठ और सकारात्मक स्थितियों का निर्माण होने जा रही है, जिस कारण से अब आपको अपने मेहनत का अच्छा खासा फल मिलने वाला है। दोस्तों, इस वर्तमान समय अवधि में आपको अपने जीवन काल में इन दो बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, अगर आप इन दो बातों का ध्यान अपने जीवन काल में रख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और कई तरह के समस्याओं से भी बच जाएंगे, कई तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपके जीवन में सकारात्मक और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा, खुशनुमा और आनंददायक परिणाम आप जरूर प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, सब कुछ विस्तार से बताएंगे, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कौन से बातों का आपको विशेष ध्यान रखनी है, किस प्रकार से आपको कार्य करनी है, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और कौन से कार्य करने से नुकसान हो सकता है, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि यदि आपके जीवन में कठिनाइयां चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं और लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपका कार्य नहीं बन रहा है, कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, बनते बनते कार्य आपका देश में ही अटक जा रहा है, प्रतिकूल परिस्थितियों बन रही है, तो दोस्तों, तो आप इसका दोष ग्रहों को मत दीजिए या फिर किसी दूसरों को दोष मत दीजिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी होता है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, बल्कि उसका जिम्मेदार खुद हम ही होते हैं। जी हां, हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है, लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यह सब हमारे भाग्य में लिखा है, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, इंसान जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है, और इसमें कोई दोहराव नहीं है, क्योंकि गीता में साफ शब्दों में लिखा गया है कि इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है मगर फल भोगने में नहीं। अगर आप दूसरों के साथ गलत करते हो तो अपनी बारी का भी इंतजार जरूर करना, भले देर हो सकता है, लेकिन कर्मों का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। दोस्तों,
इस दुनिया में 90% से ज्यादा लोग हैं जो कि अपनी समस्याओं का कारण ग्रहों को मानते हैं या फिर किसी दूर व्यक्ति को मानते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम आपको बता दें, शनिदेव की साढ़े साथी आपके ऊपर जरूर चल रही है, लेकिन भगवान शनिदेव जी कर्म फलदाता है और न्याय के देवता हैं, इसलिए यह किसी के भी साथ गलत और अन्याय करेंगे ही नहीं। जी हां, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, खाने का मतलब यह है कि आपके जैसे कर्म है उसके हिसाब से ही आपको परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि किसी ग्रह का कोई दोस्त नहीं है, किसी परिस्थिति का आपके जीवन में असर नहीं है। जी हां, तो अगर आपके मन में कोई गलत सलाहत ख्याल चल रहा है, गलत सोच विचार चल रहा है, तो आप उन सभी नकारात्मक विचारों को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि गलत ख्याल गलत सोच विचार आपको अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इसलिए अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरु जी आपने सही कहा, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपको अपने भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है। जी हां, आप अपने जीवन में तरक्की पे तरक्की करते हुए नजर आएंगे। अचानक से आपकी जिंदगी में दो बड़ी खुशखबरी दस्तक देंगी। जी हां, देखिए दोस्तों, यदि वर्तमान समय यानी कि आज आपके जीवन में दुख चल रहा है, आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, संघर्ष चल रहा है, तो आगे आने वाली समय अवधि में सुख भी होगा, सफलता भी मिलेगी, और यह निश्चित रूप से तय है कि यह होना ही है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आगे आने वाले समय अवधि में आपके जीवन में बदलाव लेकर आने वाली है धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको वह मिलने वाला है जो अभी तक आपको हासिल नहीं हुआ है। इसलिए अब आप समय से पहले तैयार हो जाओ, क्योंकि कुछ चीजों के लिए इंसान को समय से पहले ही तैयार होना पड़ता है, और जो इंसान समय से पहले तैयार रहता है उन्हें सफलता जरूर मिलती है। इसलिए आप समय से पहले ही तैयार रहें ताकि यह मौका आपके हाथ से जाने ना पाए। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बड़ा खजाना आपके हाथ लगने वाला है जिससे आप मालामाल हो जाओगे। बता दें कि बड़ा धन लाभ मिलने वाला है आपको, इसलिए सारे काम छोड़कर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लो। आज केवल नसीब वाला ही इस वीडियो को देख पाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो समय है, यह समय अब तक का सबसे अच्छा और भाग्यशाली समय साबित होने वाला है। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से और माता महालक्ष्मी जी के असीम कृपा आपकी किस्मत संवर गई। जी हां, आपको लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होगी इस समय अवधि में, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से सौभाग्यवान योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, धन योग, राजयोग के साथ साथ सिद्ध योग भी बन रहा है, जिससे कि अब आपको भगवान गजानंद जी का आशीर्वाद मिलेगा, और भगवान गजानंद जी के आशीर्वाद से अब आपकी हर एक कार्य बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने वाले हैं। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण वीडियो खास आपके फायदे के लिए बनाई गई है, इसलिए आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त जरूर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भगवान गजानंद जी के प्रिय भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जय गणपति महाराज, जय हो गजानंद जी, जय माता महालक्ष्मी जी अवश्य लिखिएगा दोस्तों। इससे भगवान गजानंद जी का और माता महालक्ष्मी जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसने वाला है, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होंगे। दोस्तों, इतना भाग्यशाली समय आपके जीवन में आ चुका है कि जिसे जानकर खुशी से झूम उठोगे, खुशी से नाचने लग जाओगे। तो किस प्रकार से यह समय आपके लिए रहने वाला है, कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किस प्रकार धन लाभ होगा, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होगी और किन किन क्षेत्रों से धन लाभ होंगे, यही हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सितारों ने यहां ऐलान कर दिया है कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, कोई कुछ भी कहे, तुम एकदम शांत रहना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती, आपकी एक छोटी सी भूल आपके अरमानों पर पानी फिर सकती है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है।
वह भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपके अंदर सच सुनने की हिम्मत है तभी इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगले 24 घंटे के समय अवधि में एक बहुत बड़ा राज खुलकर सबके सामने आने वाला है। जी हाँ, एक प्रकार से यूं कहें कि एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका ग्रह और सितारे संकेत दे रहे हैं कि यह बड़ी घटना आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी और यह घटना सबकी होश उड़ाकर रख देंगे। कलयुग में आज तक ऐसी घटना आपके जीवन में नहीं हुआ होगा जो घटना अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में होने वाला है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस घटना को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान व बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी ने प्रचंड आदेश दे दिया है। अब आपको बहुत ही संभाल संभाल कर अपने कदम रखने की जरूरत है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि विधाता का लिखा नहीं बदला जा सकता, विधाता का कलम चल चुका है। और आखिर अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में क्या होने वाला है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। ग्रह गोचर के आधार पर संपूर्ण सटीक जानकारियां हम आपको देंगे। दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर जो घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है, इसे जानकर आप खुद कहोगे, हे प्रभु, हे ईश्वर, आखिर यह क्या हो रहा है? हमारे जीवन में कभी ऐसा होगा, यह हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन प्रभु आपने तो वह कर दिया। इसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में तीन बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। जी हां, बहुत बड़ा बदलाव आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है और यह तीन बड़े परिवर्तन हर हाल में होकर रहेंगे। अब किन क्षेत्रों में परिवर्तन होंगे और किन क्षेत्रों में नहीं होंगे, यह जानना बहुत जरूरी है और यह आप तभी जान पाएंगे जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। इसलिए वीडियो को बिना काटे, बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज की यह वीडियो आपके जीवन को बदलकर रख देगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान गजानंद जी के आशीर्वाद से और माता महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में दो बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगले 24 घंटे के भीतर पाप और पुण्य का हिसाब किताब होने वाला है, जिससे कि भगवान श्री गणेश जी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। जी हां दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अब आज से आपकी अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहें कि अब आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाला यह जो अगले 24 घंटे का समय है, आपके लिए बहुत ही सुनहरा और भाग्यशाली होने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को आधे अधूरे मत छोड़िएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखकर ही जाना। वीडियो के अंत में हमने उपाय बताया है, जो कि उपाय बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही लाभदायक है। अगर आपको मौका मिलता है, आपके पास समय है, तो उपाय को जरूर करिएगा। और अगर नहीं भी कर पाएंगे तो भी आप इस उपाय को एक बार जरूर सुनिएगा, क्योंकि सुनने से भी आपको लाभ होगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ईश्वर आपको बहुत बड़ा मौका देने वाले हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने का, अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने का। और ऐसा मौका ईश्वर सबको नहीं देते हैं। यह तो आपकी किस्मत अच्छी थी, आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए थे, इसलिए ईश्वर ने यह मौका आपको दिया है। और अगर ईश्वर ने आपको मौका दिया है तो आप मौके का भरपूर लाभ उठाएं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो कुछ आपके साथ होने वाला है, उसे सुनकर आप अपनी दोनों कानों, दोनों आंखों में यकीन नहीं करोगे। जी हां दोस्तों, कानों में सुना यकीन नहीं होगा, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद आपको यह एहसास जरूर हो जाएगा कि दुनिया में कुछ भी संभव नहीं होता है। और कब किसकी किस्मत बदल जाए, कब किसका जीवन बदल जाए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, कि सब ईश्वर के हाथ में होता है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ईश्वर का निराला खेल शुरू होने वाला है। जी हां, ईश्वर आपकी किस्मत को बदलकर रख देंगे। दोस्तों, यह जो अगले 24 घंटे का समय है, यह कोई मामूली समय नहीं है, यह समय भगवान का दिया हुआ वरदान साबित होने वाला है। अब इस राशि के हर एक जातकों का जीवन बदलेगा।
जी हां दोस्तों, ये सब आपके अच्छे कर्मों का फल है। ईश्वर आपके कर्मों से प्रसन्न हो गए हैं दोस्तों। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे पसंद करना चाहते हैं, ईश्वर को या इंसान को। दोस्तों, जो इंसान भगवान के सामने झुकता है, भगवान उसे किसी के भी सामने झुकने नहीं देता है दोस्तों। सारा खेल ऊपर वाले ईश्वर का ही है, लेकिन ईश्वर इस बात का कभी एहसास नहीं होने देते हैं कि उन्होंने आपके जीवन में क्या किया है। जी हां, जो भी होता है सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है दोस्तों। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत का अंत नहीं होता है, और मुसीबत आए बिना आंखें भी नहीं खुलता है। जब तक ईश्वर का साथ नहीं मिलेगा, तब तक तुम कितना भी जोर लगा लो, कितना भी प्रयास कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर ईश्वर का थोड़ा सा भी साथ मिल गया, तो फिर चुटकी बजाते ही सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है, और आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा तांडव आपकी जिंदगी में होने वाला है। जी हां, ये तांडव सबको हिलाकर रख देंगे। दोस्तों, मैं एक बात हमेशा कहना चाहूंगा कि विश्वास करना अपने आप पर, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ होने लगे तो समझ जाना, विश्वास करने की दो ही जगह हैं, खुद पर और दूसरा परमात्मा के ऊपर। खुद के ऊपर विश्वास रखोगे तो कभी धोखा नहीं मिलेगा, और परमात्मा के ऊपर विश्वास रखोगे तो परमात्मा कभी आपको गिरने नहीं देंगे। बाकी सब दिखावा है, मोह माया है, खाने के लिए। सब कोई कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जब बारी मदद की आती है तो उसे समय सब कोई खरी खोटी सुनाने लगते हैं। जो आपके पास है वही काम आएगा, चाहे वह इज्जत हो, पैसा हो, ताकत हो, या फिर आपका परिवार। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको केवल सच्चाई बताएंगे। जी हाँ, और वही सच्चाई बताएंगे जो कहीं ना कहीं आपके साथ हुआ है और आगे भी आपके साथ होने वाला है। जो आपके साथ हो चुका है उसे भूल जाओ, और जो आपके साथ होने वाला है उसके लिए आप तैयार रहो। दोस्तों, जो घटना कुंडली में लिखा जाता है वह होकर ही रहता है, लेकिन जो इंसान हर वक्त उसके लिए तैयार रहता है, उन्हीं को लाभ मिल पाता है। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढते हो, फरिश्ते पंछियों के पास कहां होते हैं, नशे फिर भी वह ढूंढ लेते हैं। अपने रास्ते दोस्तों, नजरें जब बड़ी चीजों पर हो तो छोटी मोटी चीजें हमें हर नहीं सकती। जी हां दोस्तों, आपकी कॉन्फिडेंस और आपका मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। कुछ लोग आपको भड़काने का प्रयास करेगा, आपको पीछे खींचने का प्रयास करेगा, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसे लोग ना ही अपने जीवन में सफल हो पाते हैं और ना ही दूसरों को सफल होने देते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। लोग जब अमृत खरीदने हैं तो उस वक्त पूछते हैं कि मीठे हैं ना, लेकिन बाद में उसे नमक लगाकर कहते हैं। और यही है दुनिया वालों की सच्चाई, यही है इस दुनिया का रीत। आप जिस पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, वही आपका सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सुनिए, सबकी करिए अपने मन की और खुद से ज्यादा भरोसा। किसी के भी ऊपर मत करना। याद रखना, अपनी कमजोरी और अपनी मजबूरी हर किसी को मत बताना, वरना आप अपने जीवन में रोते रह जाओगे, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि यह दुनिया वाले आपकी भरोसे को कायम रखे। अगर बात समझ आई हो तो बोलिएगा, जी गुरुजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि डमरू वाले बाबा जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो चुके हैं। कल से आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा पाखंड शुरू होने वाला है। जी हां, एक प्रकार से यूं कहें कि आपकी कुंडली में बहुत बड़ा खेल स्टार्ट होने वाला है, और डमरू वाले बाबा जी आपको जो चीज देना चाहते हैं, शायद यह चीज आपको पहली बार मिलने वाला है। जी हां, मुझे पता है कि बड़ी बड़ी परेशानियां ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, और जब जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तब तब कुछ ना कुछ लोग आपके लिए मुसीबत का जड़ बन जाते हैं, जिस कारण से आप लोग अपने जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं और ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी से सबसे बड़ा कांटा दूर होने वाला है। इस हां, खुद डमरू वाले बाबा जी ने यह आदेश दिया है कि अब आपकी जिंदगी से सबसे बड़ा कांटा दूर होगा, और कल से आप सभी के जीवन काल में दो बड़े चमत्कारिक बदलाव होंगे।
संपूर्ण वीडियो ग्राहक गोचर पर आधारित है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है दोस्तों। डमरू वाले का बड़ा आदेश आ गया है। आपकी जिंदगी में इतना पैसा आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगी। जी हाँ, देखना, कहीं खुशी के मारे पागल मत हो जाना, क्योंकि ऐसी खुशखबरी आपको आज तक नहीं मिला होगा। आपकी जिंदगी में पहली बार यह खुशियां दस्तक दे रही हैं। आपका एक नया जीवन बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आप जहां पर भी जाते थे निराश होकर लौटते थे, आपका काम नहीं बनता था और लोग आप पर तरह तरह की बातें किया करते थे। लोग हंसते थे, आपका मजाक बनाते थे, आप कौन सी परेशानियों को नहीं खेले हैं। लेकिन यह बात कोई और नहीं, सिर्फ आप जानते हैं। जी हाँ, लेकिन कहते हैं ना, जिनके ऊपर भगवान का हाथ होता है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। आपके ऊपर डमरू वाले का साया है, डमरू वाले का कृपा है, तो लोग चाह कर भी आपको नीचे नहीं गिरा सकता। भरोसा खुद पर और ऊपर वाले ईश्वर पर रखना, क्योंकि ईश्वर के घर देर जरूर है परंतु अंधेर नहीं। ईश्वर कब कौन से रास्ते बंद कर दें और कब कौन से रास्ते खोल दे, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकती। जी हाँ, यह सब ईश्वर के हाथ में होता है, इसलिए ईश्वर पर भरोसा कीजिए और ईश्वर से दिल लगाइए। जीवन में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा और ना ही किसी से कभी ठोकर खाओगे। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, पैसों की बरसात होने वाली है। जी हाँ, चारों तरफ से पैसा ही पैसा दिखाई देगा। तो चलिए हम आगे वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि आपको किस तरह से लाभ होगा, किस तरह से आपके जीवन में पैसा आएगा, किन कामों को करने से लाभ होगा, किन कामों को करने से सावधान रहना होगा, सारा चीज बताएंगे दोस्तों डमरू वाले बाबा जी के आशीर्वाद से। आज आपके जीवन में इतना पैसा आएगा जिससे कि आप मालामाल हो जाओगे। जी हां, लेकिन आपको समय के महत्व को समझना होगा और समय के साथ चलना होगा, क्योंकि यह समय बड़ा बलवान है। यह समय सब कुछ बदल देता है। अगर आप दुख में हैं तो यह सुख में बदल सकता है, और अगर आप सुख में हैं तो यह दुख में भी बदल सकता है। जी हां, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ढेर सारा पैसा आए, आपका रुका हुआ फैसला हुआ धन मिल जाए, उसके लिए आपको एक काम करना है। सप्ताह में किसी भी दिन दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर हनुमान जी की प्रतिमा के आगे सरसों की तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। जी हाँ, इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, और इससे आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन और पैसा भी मिलने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। आगे जो बात हम आपको बता रहे हैं यह और भी ज्यादा गंभीर होने वाली है, और आपको यह भी बताएंगे आज के दिन आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है, किन क्षेत्रों में कार्य करनी है, कौन सी कार्य करनी है, यह बताएंगे। बस अंत तक देखते रहिए दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। जी हां दोस्तों, यह जबरदस्त बदलाव आपकी जिंदगी में भूचाल मचा देगी। दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहे तो धन दौलत से, रुपए पैसे से आपका पूरा घर भर जाएगा। जी हां दोस्तों, दोस्तों आज की यह भविष्यवाणी अगर गलत हो गई तो तुरंत ₹2000 का इनाम दूंगा। जी हां, क्योंकि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होता है। देखिए दोस्तों, किस्मत हमें मौका देती है लेकिन हमारी मेहनत सबको चौंका देती है। सही समय पर अगर आप सही तरीके से मेहनत करोगे तो उसका फल मिलने से आपको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। जी हां, मैं यह बात फुल प्रूफ के साथ, फुल गारंटी के साथ लेकर देता हूं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी आपकी राशि में जाने वाले हैं। जी हां, और जब धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी आपकी राशि में विराजमान हो जाएगी तो आपकी तो चांदी ही चांदी होगी, सोने पे सुहागा होगा। देखिए दोस्तों, में भगवान श्री कृष्ण जी की आती है कि एक अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता है। सुख दुख तो अतिथि है, भारी बारिश से आएंगे चले जाएंगे, यदि वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि हर रोज शाम सिर्फ सूरज की नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। अगर बात समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में उस भगवान का जय जयकारा जरूर लगाए जिस भगवान को आप सच्चे दिल से मानते हैं। आपकी जय जयकारा से भगवान जी प्रसन्न होंगी और आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी, तो आप जरूर लगाइएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं
लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप उन बदलावों के बारे में सोच रहे हैं जो शायद आपके काम और आपकी सेहत के बीच संतुलन ला सकते हैं। आप अपने किसी करीबी दोस्त से इस संबंध में मेल करके समाधान पूछ सकते हैं। इन बदलावों से आपको आराम मिलेगा। आप अपने आप को फिलहाल सही आदमियों के साथ पाएंगे जो आपको आपके विभिन्न लक्ष्यों का उद्देश्य निर्धारित करने में मदद करेंगे। आप आज ऊर्जा और आशा से भरे हैं। यह सकारात्मक भावना आपको पूरे दिन प्रेरित करती रहेगी, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए। हालांकि आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, फिर भी आप बिस्तर पर तो पड़ीढ़े नहीं रहेंगे। विशेषज्ञ से सलाह लेकर आप बहुत जल्दी अपने स्वास्थ्य में सुधार कर पाएंगे। संतुलित भोजन करें। आपको यह बात माननी ही होगी कि चाहे किसी रिश्ते में खूब सारा प्यार हो, लेकिन फिर भी उसे टिकने के लिए कोई ठोस आधार जरूर चाहिए। केवल प्यार होना ही काफी नहीं है, आपको इसका अनुभव अपने पार्टनर को कराना भी होगा। आप पिछले कुछ समय से प्यार दिखाने से परहेज कर रहे हैं। अगर आपने अपनी इस आदत को नहीं सुधारा तो आपके पार्टनर सोचेंगे कि अब आपकी उनमें कोई रुचि नहीं रह गई है। हो सकता है कि आपको छोड़ने के बारे में सोचें। आज आपको छिपे हुए शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे आपके बारे में अति गोपनीयता से आपके बारे में गलत बातें आपके मालिक तक पहुंचा सकते हैं, जिसका साक्ष्य भी आपको मिल सकता है। अंत सावधान रहने की जरूरत है। अपने क्रोध को संयमित रखिए ताकि आपके कार्य पर इसके उल्टा प्रभाव न पड़े। इसके विपरीत आपको अपने किए गए वादों को पूरा करके समय पर दिखाना होगा जैसा कि अपने वादा करते वक्त कहा था। आज आप नए दोस्त बना सकते हैं और नए काम हाथ में ले सकते हैं। हमेशा की तरह अपने आप में यकीन बनाए रखें, इससे आप अपने लिए हर तय मंजिल तक पहुंच पाएंगे। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन वित्तीय स्थिति का ध्यान रखें। जरूरत पड़ने पर ही खर्च करें। अपने दिन की शुरुआत या अंत एक अच्छी धीमी सैर के साथ करें, इससे आपको राहत भी मिलेगी और सकारात्मकता भी। अपने किसी करीबी को साथ चलने को कहें। दिन में आप पर थकावट हावी हो सकती है, तनाव न लें। सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कैफीन वाले पेय पदार्थों की बजाय ताजा जूस पिएं। आपको अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ कठोर फैसले लेने पर डीडीएच सकते हैं। हालांकि आप दिल से ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन तब भी यह समय ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा है। इस बात का फैसला केवल आपके हाथ में है कि आप पिछली बातों से अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत होने देंगे या उसके कारण अपने आत्मविश्वास को कमजोर पड़ने देंगे। आप जिस तरीके से अपने पिछले समय को समझेंगे, उससे काफी हद तक आपका फैसला प्रभावित होगा। आज आपका निशाना तीर पर जाकर लगेगा और आपने जो चाहा था वो आपको मिलेगा। बस आप अपना धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपके बैठने की जगह में परिवर्तन आ सकता है या आपको एक नई जगह पर कार्य करना पड़ डीडीएच सकता है। आपकी धारणा के विपरीत इस नए कार्यालय में आपके आत्मविश्वास और स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। आपकी जीभ तेज है और मस्तिष्क तार्किक है, लेकिन आपकी यह योग्यता आज आपकी असुरक्षित प्रवृत्ति के कारण प्रभावित होगी। हमेशा की तरह बहाव का विरोध करने के स्थान पर उसके साथ चलें। आपको अनुभव से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, जबकि अभिमान से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाद में आप अच्छा और आत्मविश्वास से भरा अनुभव करेंगे। आज का दिन आपके लिए काफी उलझन भरा रहेगा। आपको कई तरह की सलाह तथा सभी दिशाओं में कई तरह के मौके दिखाई देंगे। आपको कई तरह की शक्तियां अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगी, लेकिन हर किसी को खुश करने की कोशिश न करें। इसके स्थान पर अपने मन की ही सुने। बेशक आपको इस वक्त अपने मन की सुनना और करना ठीक न लगता हो, अगर ये रिश्ता आपके चेहरे पर आपकी खुशी के लिए है तो ये जरूर आपको खुशी और शांति देगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये समय आगे बढ़ने का है। इस रिश्ते को इसलिए आगे न खींचे क्योंकि ये सुंदर है। अगर ये भावनाओं में मेल नहीं खाता तो इसे कूढ़े में डाले, और अगर आप अपने भीतर की आवाज को शांत रूप में सुनेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे आश्चर्य
आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा को कुछ उत्पादकता वाली स्थिति में निवेश करें। आप अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अपने परिवार की धन वृद्धि के लिए शक्तिशाली ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप अधिक ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे और जिससे आप अगली बार किसी की सेवा करने पर अधिक कमाने लायक हो जाएंगे। इस तरह से आपके हाथों में वित्तीय सुरक्षा और सफलता के लिए सभी सामग्री रहेगी। अगर कुछ लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें अपना हरेक काम समझाने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। वे कभी नहीं मानेंगे। आप काफी व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको आने वाली जरूरतों के कारण पहले वाली योजनाओं में भी कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। स्थिति की मांग के अनुसार कार्य करें। इस समय आप अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, यह अच्छा विचार है। योग और दौड़ भाग की नियमित प्रैक्टिस के अलावा आप दूसरी शारीरिक एक्सरसाइजेस भी जारी रखें। हालांकि अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा कमजोर है तो थोड़ा संभल कर योजना बनाएं। जो हिस्सा आपका कमजोर है उसी वाले हाथ से वजन उठाने की प्रैक्टिस करें। आप थोड़े समय चलने वाले अस्थाई किस्म के संबंधों से ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अब आप में भी सच्चा प्यार पाने की इच्छा जाग उठी है। आपको थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। यह आपके सच्चा रिश्ता बनाने के रास्ते में बाधा का काम करता है। अपने मूड के बदलावों पर नियंत्रण रखें और बहुत जल्द आपको किसी बहुत अच्छे व्यक्ति का साथ मिल सकता है। यह समय अपने कार्य क्षेत्र को दिशा या बदलाव देने का उचित समय है। कुछ समय से आप अस्थिरता को महसूस कर रहे हैं। नए और जोश भर देने वाले अवसर आज आपके सामने आ सकते हैं और आपको आशावादी रहकर उन्हें पकड़ डीडीएचना है। यह आपके कार्य क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा और आगे जाकर आपकी कार्य क्षेत्र संबंधित समस्याओं का निराकरण करने में मदद करेगा, जो कि आपके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। पिछले कुछ समय से आप जिस असंतुष्टि के द्वार से गुजर रहे हैं, अंततः अब उससे बाहर आ पाएंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने जीवन में अपना उत्कृष्ट प्राप्त कर लिया है और अब अपने सपने पूरे करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। आप यह भी समझ पाएंगे कि अपने काम और अपनी सेहत दोनों को बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव करने जरूरी हैं। आपको किसी बुजुर्ग मित्र या संबंधी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, इसीलिए यह समय उनके संपर्क में रहने के लिए बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधान रहना होगा। आप खाने की महत्ता को आज महसूस कर पाएंगे और संतुलित खाने अपनाने की दिशा में पहला कदम उठाएंगे। इससे आपके और आपके परिवार की सामान्य सेहत में काफी सुधार होगा। लोग आपके पास सहानुभूति के लिए आएंगे और आप गलती से इसे ध्यान खींचने का प्रयास मान बैठेंगे। जो लोग पहले से किसी संबंध में हैं, वे दिल से एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहेंगे। आप उनके साथ अकेले रहकर चुपचाप सी बातचीत के जरिए अपने विचार साझा करना चाहेंगे। आप अपने कार्यस्थल की जिंदगी में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। आपने अपने लिए उस कार्य क्षेत्र या करियर की कल्पना नहीं की थी जिसमें आप अब भी कार्य कर रहे हैं। आप अपने जुनून को पाने के लिए अचानक अपनी नौकरी का त्याग कर सकते हैं। हालांकि ग्रहों के विपरीत प्रभाव के कारण ये समय निर्णय लेने का नहीं है। आपके वित्त एवं धन की स्थिति में अचानक परिवर्तन आ सकता है। पुरानी और बेकार चीजों को जीवन से हटा देने का समय है। आप किसी पिछली स्थिति से महज किसी एहसान की भावना या मजबूरी के चलते चिपके हुए हैं, जो अब आपको कतई पसंद नहीं है। आपको इसमें से बाहर आ पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन आज आप इस स्थिति से बाहर आने के लायक मानसिक शक्ति जुटा पाएंगे। आपको अपने इस काम में किसी घटना से भी मदद मिलेगी। अपने स्वास्थ्य की अतिरिक्त देखभाल करने का समय है। आपके अपनी समस्याओं के प्रति लापरवाह रहने से वे गायब नहीं हो जाएंगी, बल्कि समय के साथ साथ और गंभीर रूप धारण करती जाएंगी। हालांकि समय पर उनसे बचने के उपाय करके आप काफी हद तक सचमुच उनसे बच सकते हैं। आपको अपने करीबियों के सामान्य स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको किसी करीबी से संक्रमण की भी आशंका है। एक ऐसे रिश्ते को आगे की तरफ सिर्फ इसलिए खींचना बेकार है क्योंकि वो काफी लंबे समय से है। आप अनिश्चितता और मानसिक अस्थिरता के कारण थोड़ा उदास रह सकते हैं। अपने आप को दोषी महसूस न करें।
ऐसे रिश्ते के साथ चिपकना बेकार था। आगे बढ़े, अपने मन को स्थिर और मजबूत करें। अगर आप अपने को मजबूत बना लें तो आप इस रिश्ते से बाहर आ सकते हैं। अपने सहयोगियों के साथ तालमेल और कदम से कदम बढ़ाकर चलने का ये एक अच्छा समय है। समीक्षा और हताशा का लंबा समय अब समाप्त होने की ओर अग्रसर है, इसलिए इस खुशी में आप दोस्तों और परिवार और अपने ऊपर कुछ व्यय भी कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि ये ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए हो। अपने जीवन में नकारात्मकता लाने वाले लोगों से दूर रहें। आपको यह जानकर अचरज होगा कि जिसे आप अपना हमराज समझते थे वही आपके बारे में उलटी सीधी बातें फैला रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहें, उन्हें अपने दिलो दिमाग में जगह ना दें। कोई नजदीकी दोस्त आपका साथ देगा, यह दोस्त आपका जीवन साथी या माता पिता भी हो सकते हैं। आप पेट के खराब होने से परेशान हो सकते हैं, इसीलिए तैलीय खाना कम खाने की कोशिश करें, पानी भी खूब पिएं। शाम तक आपको कुछ बेहतर महसूस होगा, लेकिन जिनको पहले से इस प्रकार की कोई तकलीफ है उनके लिए स्थिति गंभीर हो सकती है। आज का दिन पुरानी बातों को दफन करने का समय है, क्योंकि यथार्थवादी प्रभाव आपकी जिंदगी में आएंगे। नई शुरुआत सभी मोर्चों पर संकेत दे रहे हैं। आप एक दूसरे को प्यार करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करेंगे, या आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। आपको ये पहचान करने की जरूरत है कि कौन सी चीज आपको पीछे की तरफ धकेल रही थी, ताकि आप उसे छोड़ ढाँच कर आगे की तरफ अपनी जिंदगी को ले जा सके। आज के दिन आपका दृढ़ संकल्प और आपकी कठोर मेहनत रंग लाएगी। ये मेहनत आपके उच्च अधिकारियों को दिखेगी, जो कि आपके आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम बनेगी। इस चीज में आपका भाग्य का कम जबकि आपकी मेहनत और लग्न का ज्यादा हाथ होगा। ये समय आपके करियर की उड्डहान का समय है, और आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप इस समय का पूरा सदुपयोग करें। आज आप जिद्दीपन के प्रति अपना स्वाभाविक झुकाव महसूस करेंगे, लेकिन जब आपको यह अनुभव होगा कि ऐसा करना आपके हित में नहीं है तो आप पछतावा भी महसूस करेंगे। अच्छे से स्थिति समझें, आकस्मिक भावनाओं के बहाव में बहने के स्थान पर स्पष्ट सोच से काम लें। अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगे तो समाधान जल्दी निकलेगा और आपको जल्दी खुशी मिलेगी।